और छत्तीसगढ़ में स्कूल टीचर की मांग करने पर अधिकारी ने छात्रा को जेल भेजने की धमकी दी है। छात्रा ने बताया कि स्कूल में 2 साल से टीचर नहीं है और ऐसे में हम बोर्ड एग्जाम कैसे फाइट करेंगे। मामला राजनाथ गांव के डोंगरगढ़ विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के हायर सेकेंडरी का है। बताया जा रहा है कि छात्रा अपनी मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से गुहार लगाने पहुंची थी। शिक्षक की कमी दूर करने की शिकायत छात्राओं ने ज्ञापन के माध्यम से की और मांगें पूरी न होने पर प्रदर्शन और स्कूल में ताला जड़ने की बात की। इस पर डीईओ ने जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्रा को उल्टा जेल भेजने की धमकी दे डाली। बच्चों का आरोप है कि डीईओ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। आपको बता दें कि 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए यहाँ पर कोई टीचर नहीं है। हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो उसने सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की, लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से, क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सी क्या है तुम लोगों को लिखने के लिए, जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो शिक्षक 2 साल हो गए एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं है? एक भी 11th 12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। स्कूल का क्या नाम है, कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आलीवारा से है हम लोग, और 4 टीचर्स बस हैं, वो भी 9th 10th के लिए है, 11th 12th के नहीं है वो सर मैम जो है वो। 160। अभी क्या चाह रहे हो? अभी हमारे पास टीचर आ जाए ऐसे करके बोलने के लिए आए थे, लेकिन डीओ सर ने हमको ये सब बोल दिया। हाई स्कूल पहले संचालित हो रहा था, अभी पिछले 2 साल से हायर सेकेंडरी शुरू हुआ है, लेकिन हायर सेकेंडरी के नाम से एक भी शिक्षक नहीं है। और हाई स्कूल के शिक्षक अब 11वीं क्लास को पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी कई तो सब्जेक्ट है इसके बिल्कुल टीचर नहीं है, तो इस पढ़ाई प्रभावित हो रहा है, इसलिए बच्चे लोगों को यहाँ शिक्षक के मांग करने के लिए कलेक्टर साहब के जनदर्शन में आए थे और यही आवेदन दिए हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी का कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है ये कि टीचर नियुक्त करने को लेकर कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, उल्टे जिनको देश का भविष्य कहा जाता है उन छात्राओं को जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे जिला शिक्षा अधिकारी से भी बेटियों को बचाना पड़ेगा ये शायद पता नहीं था, और अगर इन बेटियों को पता होता शायद ये जाती भी नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने जेल भेजने की धमकी दी है, तो अगर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी इस खबर को देख पा रहे हों और शर्म का अनुभव कर पा रहे हों तो जेल भेजने के बजाय वहां पर शिक्षक भेजें। इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया इन अधिकारियों का हो गया है। तो ऐसे जिला शिक्षा अधिकारियों के होते हुए कैसे पढ़ेगा इंडिया।